ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग जो है कक्षा 12 में जो है छठवां लेशन का अध्ययन करेंगे। छठवें लेशन में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में। तो तत्वों को जो हमें शुद्ध करना है और उनको हम कैसे शुद्ध करेंगे, उसके लिए कुछ सिद्धांत भी हैं, कुछ प्रक्रियाएं भी हैं, कुछ प्रक्रम हैं, उनका हम अध्ययन जो है आज इस लेशन में हम करेंगे। जैसे ये ध्यान से देखें, तत्व किन अवस्थाओं में पाया जाता है। ये लिखा है तत्व की प्रकृति में उपलब्धता, यानी तत्व जो है प्रकृति में किन किन अवस्थाओं में यह उपलब्ध है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे, तत्व की जो है दो अवस्थाएं हैं प्रकृति में। एक तो अवस्था ये है कि स्वतंत्र अथवा मुक्त अवस्था है। जैसे कोई धातु है तो यदि उसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, जिन धातुओं या जिन तत्वों की क्रियाशीलता बहुत ही कम है तो वे पूर्णतया स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड आपका है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो जो निष्क्रिय धातुएं हैं यानी जिनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम है तो वे जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें धातुएं जो होती हैं, जो धातुएं उसी रूप में ही पाई जाती है, जो धातुएं अपने ही रूपों में अगर पाई जाती है तो वह उसकी क्या है, स्वतंत्र अवस्था कहलाती है। जैसे में हमने आपको अभी बताया है कि कौन कौन सी धातुएं जो है मुक्त अवस्था में है, तो आपको गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है, ये जो है कम क्रियाशील धातुएं हैं और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। कुछ और तत्व जैसे निष्क्रिय तत्व आपको बात करें जो वर्ग 18 में है, जिसको हम जो है नोबेल गैस भी कहते हैं या आखिरी गैस भी कहते हैं। जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन, जेनान, ट्रिडान, ये सभी क्या है, निष्क्रिय तत्व हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये संयुक्त अवस्था है जो क्रियाशील धातुएं हैं, जो क्रियाशील तत्व हैं वे किसी न किसी के साथ संयुक्त होकर के यानी जुड़ करके यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, तो वह उसकी क्या कहलाती है, संयुक्त अवस्था कहलाती है। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कि जो क्रियाशील धातुएं हैं वे किसी न किसी के साथ जुड़ करके और अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, तो उनको उनकी क्या कहलाती है, संयुक्त अवस्था कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें क्रियाशील धातु में, जैसे कॉपर है, तो कॉपर के बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे कॉपर पाइराइट है, क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये बहुत सारी अवस्थाएं हैं उसकी, या और भी अवस्थाएं हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। तो इस तरह से उसकी एक संयुक्त अवस्था है क्योंकि उसमें ऑक्साइड, सल्फाइड ये सभी जुड़े हुए हैं, तो जब उनके साथ जुड़ गए तो वह कौन सी अवस्था होगी, संयुक्त अवस्था होगी। अगर कोई भी धातु है और उसके साथ यदि कोई दूसरा तत्व या परमाणु जुड़ा हुआ है तो वह स्पष्ट है कि संयुक्त उसकी अवस्था है। अब बात करते हैं खनिज की, बात करते हैं तो प्रकृति में जो धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यानी कहने का मतलब खनिज क्या होता है, तो जो पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाले तथा खनिज द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको भी हम खनिज कहते हैं। कराए कि जो पृथ्वी की सतह में, सतह मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने तथा खनन के द्वारा वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। या हम कह दें कि धातुओं के वे यौगिक जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं या धातुएं जिन यौगिकों के रूप में क्या होती है, प्रकृति में उपस्थित होती हैं, वे उनके क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब हमने खनिज के बारे में जाना और खनिज बहुत सारे हैं, जैसे आपका जो है धातुओं के खनिज होते हैं तो उसमें कार्बोनेट भी खनिज है, क्लोराइड खनिज है, सल्फाइड खनिज है,
और आपके जो है हाइलाइट खनिज हैं, सिलिकेट खनिज है, ये सभी बहुत सारे खनिज हैं। खनिजों की कोई गिनती नहीं है, इनके अनेक अनेक किस्में भी हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, जिसे हम कापर की बात कर रहे थे, तो कापर जो है संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये भारत में तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन स्वीडन में जो है एक यूराल पर्वत है, वहां पर जो है कापर जो है मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता या पाया जाता है, और इसकी क्रियाशीलता भी कम होती है अन्य धातुओं के अपेक्षा, क्योंकि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर पढ़े होंगे तो आपको उसमें बताया गया होगा कि हाइड्रोजन के नीचे कापर होता है। कापर भी होता है, एजी भी होता है, एयू भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, ये सभी जो है हाइड्रोजन के क्या है, नीचे है। तो जो भी धातु हाइड्रोजन के नीचे हैं वे सर्वथा क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम होती है। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता तो शून्य होती है, यानी कि उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है शून्य होता है, और उनका इलेक्ट्रॉन विभव और भी धनात्मक हो जाता है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिनका जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होती है। अच्छा, वहां छोड़ते हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, अयस्क की बात करते हैं, तो हम खनिजों से अयस्क का चुनाव करते हैं। पहले हम जो है खनिज खोदकर निकालेंगे और उससे अयस्क का चुनाव करेंगे। अयस्क जो है बहुत सारे हैं, खनिजों से हम अयस्कों का चुनाव करते हैं, तो अयस्क किसको कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण जो कम खर्च में किया जाए, यानी वे खनिज जिनसे धातुओं का जो है निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक हो, कम खर्च भी हो और हमें जो है धातु को शुद्ध करने में यानी उस धातु को निकालने में कम धन भी लगाना पड़े, कम समय भी लगाना पड़े और सुविधाजनक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। ये खनिज आपका है, तो खनिज से हम क्या निकालते भाई, अयस्क निकालते हैं। कैसे निकाले, हमने आपको बताया कि खनिज बहुत सारे होते हैं, उन एक ही धातु के, इसी एक ही धातु के बहुत सारे खनिज होते हैं, उन खनिजों में से हम एक अयस्क का चुनाव करते हैं, क्योंकि सभी खनिजों से धातु को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अयस्कों का चुनाव करते हैं। तो अयस्क किसको कहेंगे, तो वे खनिज जिनसे जो है धातु का निष्कर्षण क्या हो, मित व्ययी और सुविधाजनक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अंतर देखिएगा, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। ध्यान से देखेंगे, सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क क्या होते बाबू, खनिज होते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, अयस्क जो है आपके जो है होंगे उनमें जो है सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है, अब जो है कार्बोनेट अयस्क है, सल्फेट अयस्क है, सिलिकेट अयस्क है, हैलाइड अयस्क है, शंकर अयस्क भी दिया है, और ये अयस्क हैं। जैसे हम कापर के अयस्क की बात करें तो कापर पाइराइट इसका प्रमुख अयस्क है। कापर का प्रमुख अयस्क क्या है, कापर पाइराइट है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ये क्या है, कापर का प्रमुख अयस्क है। Al2O3 × 2H2O ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसी तरह से Fe3O4 ये क्या है, फेरस का प्रमुख अयस्क है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो है कापर का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, और ये क्या है, फेरस का। इस तरह से सभी धातुओं के जो है प्रमुख अयस्क होते हैं, और उन्हीं प्रमुख अयस्कों से हम क्या करते हैं, धातु को निष्कासित करते हैं। अब थोड़ी सी बात आगे हम बात अगर करें तो धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी धातु निष्कर्षण किसे कहते हैं, यानी कि अयस्क से धातु को अलग करने की जो भी सिद्धांत
जो भी प्रक्रियाएं लागू होती हैं सभी धातु निष्कर्षण के अंतर्गत आती हैं। या हम कह सकते हैं कि धातु यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु निष्कर्षण कहते हैं। ध्यान देने की बात यही है, आप धातु निष्कर्षण के बारे में यदि जाने तो धातु निष्कर्षण की परिभाषा आप बताएंगे कि अयस्क से धातु को शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? धातु का निष्कर्षण कहलाती है। अब हम जो है पहले जो है अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रित जो अयस्क है तो अयस्क का सांद्रण करने के लिए हम किन किन विधियों का जो है तो अयस्क के सांद्रण जब अयस्क का चुनाव कर लेते हैं तो हम भंजन करते हैं। भंजन मतलब होता है दलन व पीसना। जैसे हम खनिज लिए तो खनिज से हम क्या किए? अयस्क का चुनाव किए। अयस्क का जब चुनाव कर लिए तो वे जो है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में चट्टाने हो सकती हैं या बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको पीसेंगे। उनको पीस करके बारीक पाउडर बनाते हैं। पहले हम हथौड़े से उनको तोड़ करके छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे। उन टुकड़ों को क्या करेंगे हम? अब उनको जो है दलित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें दो डिस्क होते हैं और दोनों डिस्क जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीस करके जो है जो आपका अयस्क है वह बारीक पाउडर की तरह से हो जाता है। अगर उसके कण और बड़े हैं तो उनको स्टैम्प मिल में डाल दिया जाता है, और जब स्टैम्प मिल में आप डाल देते हैं तो वह जो है पीस करके उनको कोलाइडिंग कणों की साइज में परिवर्तित कर देता है। अब उनका हम सांद्रण करते हैं। सांद्रण के लिए कई विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है फेन जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लावन विधि है और निच्छालन विधि है। ये चार विधियां हैं। इन चारों विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहले हम जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है क्या, इसके बारे में आप जानें। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जो है हम करते क्या है कि जो पाउडर मिला है अयस्क का उसको एक बड़े से टैंक में जल भर देते हैं। ये हमारा जल है, इसमें जो जल भरा हुआ है और इसमें इस पाउडर को हम क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो जो भारी कण होते हैं, जो भारी अशुद्धियां होती हैं, वे कण जो है तली के नीचे आ जाते हैं और जो हमारा अयस्क होता है अगर ऊपर आ जाता है तो उसको हम छान कर क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। इस प्रकार से हम जो है सांद्रण कर सकते हैं। यानी कि किसका सांद्रण कर दिए भाई? हम जो है जिसमें अशुद्धियां जो है भारी है उनका सांद्रण इस विधि के द्वारा यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जा सकता है। अब देखेंगे एक चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में आप ध्यान से देखेंगे, अपनी किताब अगर आपके पास हो तो किताब में चित्र का अवलोकन कर सकते हैं। उसमें जो है दो मैग्नेट के जो पहिए होते हैं जिसको आप पुली भी कह सकते हैं, ये जो है मैग्नेट के दो पुली है, एक यहां पर भी है। इसके ऊपर जो है एक जो है ये बेल्ट लगा हुआ है। ये बेल्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये बेल्ट जो है यहां पर आता हुआ, ये आपका जो है बेल्ट है इसके साथ, ये भी इस पर जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक हॉपर लगा देते हैं। यहां पर हम अयस्क को रखते हैं, इसमें जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है वहां यहां पर रखा जाता है। अब यह पुली चलती है, ये इधर की ओर चलेगी, तो जो आपकी जो है चुंबक से आकर्षित होने वाली अशुद्धियां हैं ये चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाती है और कुछ तो कण जो है नजदीक गिरते हैं
और कुछ कण दूर गिरते हैं। जो भारी कण होंगे वे इस तरह से यहां पर गिर जाएंगे, ये जो है आपके ढेर हो जाएंगे यहां पर, और कुछ जो हल्के होंगे कुछ दूर जाके गिरेंगे। तो अर्थात इसमें भी इनका पृथक्करण हो जा रहा है। इस तरह से इनका क्या होता है, पृथक्करण हो जाता है। जो भारी कण है वे अलग, जो आपके जो है थोड़े हल्के कण है वो दूर हो जाते हैं, और जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाले कण है ये जो है मैग्नेट के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसको सांद्रण कर सकते हैं। झाक क्लोन या फेन क्लोन विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखें। अब हम झाक क्लोन या फेन क्लोन के बारे में अगर बात करते हैं, अब हम झाक क्लोन विधि में ये बताएंगे कि जो पिसा हुआ बारीक एस्क है इसको हम जो है ले लेते हैं। ये हमारा जो टैंक है इसमें जो है हम पोटेशियम एथिल पोटेशियम जैंथेट या तो मिला दें या तो हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाएंगे आपको बता रहे हैं यूकेलिप्टस तेल का उपयोग करते हैं या चीड़ का तेल अथवा यूकेलिप्टस के तेल का उपयोग करते हैं, या आप जो है पोटेशियम एथिल जैंथेट का उपयोग करें या एथिल जैंथेट का उपयोग करें। ये संग्राहक होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। इसमें मिला होता है जैसे जल है इसमें पोटेशियम एथिल जैंथेट या एथिल जैंथेट मिला देते हैं या यूकेलिप्टस के तेल को मिला देते हैं या चीड़ का तेल मिला देते हैं, और उसके बाद जो पाउडर आपने बारीक गैस को पीस कर रखा है इसमें मिलाएंगे। जब मिला देंगे ना तो इसमें क्या होगा, जो अशुद्धियां होंगी नीचे चली जाएंगी, ये जो है नीचे सतह में आपके बैठ जाती है, और जो एस्क होता है ये ऊपर जो है छाछ के रूप में ये आ जाता है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एक यंत्र भी लगा होता है, ये यंत्र है आपका। अब इसमें जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं ये आपका है, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये पंप होता है। ये क्या है, आपका पंप है जिससे वायु को हम प्रवाहित करते हैं। जब वायु प्रवाहित करते हैं इसमें तो होता क्या है कि जो अशुद्धियां यहाँ पर जो है अगर शुद्ध पदार्थ अगर इसमें छिप गया है या ढक गया है तो ये जो वायु क्या करती है इनको विस्थापित कर देती है। जब विस्थापित कर देती है तो ये जो छाछ के रूप में ऊपर आ जाते हैं और इनको हम क्या करते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें जो है क्या होता है, एस्क का संग्रहण हो जाता है। इस विधि के द्वारा हम जो है सल्फाइड एस्कों का ही संग्रहण करते हैं। जैसे हमने कॉपर पाइराइट की बात की, CuFeS2 की बात की, तो ये जो है संग्रहण इसका जो है फेन क्लोन विधि के द्वारा किया जा सकता है। अब जो है निक्षालन की बात अगर करते हैं तो एस्को के सांद्रण की यह एक रासायनिक विधि है। इस विधि में एस्क को जो है किसी ऐसे युक्ति या उपयुक्त अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई जाती है जिसमें एस्क विलेय होता है, जिसमें एस्क क्या हो, विलेय हो, तथा अशुद्धियां क्या हो, अभिलेय हो। और जब अशुद्धियां अभिलेय होंगी तो उनको हम छान कर क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं। इस विधि को हम क्या कहेंगे, निक्षालन कह सकते हैं। इस प्रकार विलयन को उपयुक्त अभिकर्मक के साथ क्रिया कराकर एस्क को अवक्षेपित कर लिया जाता है। इस प्रकार जो है प्राप्त एस्क सांद्रित एस्क होता है। कई धातुओं के एस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि में आपका एल्यूमिनियम गोल्ड और क्या है, सिल्वर है। अब हम बात अगर आगे बढ़ाते हैं तो सांद्रित एस्कों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से युग्मन, यानी ऑक्सीजन से जोड़ने की क्रिया जो होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। अब देखेंगे सांद्रित एस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु और उसमें उपस्थित शेष अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है, और उसकी प्रकृति के आधार पर इसे जो है कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे निस्तापन है, भर्जन है। तो निस्तापन और भर्जन की बात अगर करें हम, तो पहले आपका निस्तापन है। निस्तापन क्या होता है भाई, पहले निस्तापन के बारे में हम बात करते हैं। निस्तापन के बारे में बात करेंगे, ये इस विधि के द्वारा हम जो है नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, एस्क का जो सरंध्र या छिद्रित हो जाता है, और यदि एस्क में कार्बोनेट उपस्थित है तो वे ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। देखिएगा एक उदाहरण हम देते हैं निस्तापन के लिए, जैसे बॉक्साइट है, क्योंकि
निस्तापन है क्या, इसके बारे में पहले आप जान लें। निस्तापन का मतलब होता है कि सांद्रित एस्ट को जो है हम क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित एस्ट को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी सांद्रित एस्ट को उस वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। निस्तापन में आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपका Al2O3 × 2H2O है, तो इसमें नमी दूर होती है। ध्यान से देखेंगे, ये आप गर्म करेंगे तो निस्तापन होगा, लेकिन इसका गलनांक से नीचे हो, ये ना कि इसको गला दे, गलाएंगे नहीं, इसको केवल हम गर्म करेंगे तो ये जो आपका Al2 है वो 3 और प्लस का जाएगा 2H2O, ये आपका एल्बुमिना प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये CO3 है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के परिणाम से CaO और प्लस CO2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस बनकर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। या आप अगर बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो MgCO3 है, इसको आप निस्तापन में दे सकते हैं, ये गर्म करेंगे तो ये MgO बन जाएगा और प्लस क्या बन गया, CO2। यानी ये सभी क्या है, निस्तापन में आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अगर आगे हम देखें तो भर्जन है, भर्जन का मतलब होता है भूजना, यानी कि वायु की उपस्थिति में कार्य होगा, किसकी उपस्थिति में, वायु की। ध्यान से देखिएगा, सांद्रित जो एस्क है उस एस्क को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे और उच्च ताप तक गर्म करने की जो क्रिया है वह भर्जन कहलाती है। भर्जन में जो भी एस्क होता है ना वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जो अशुद्धियां होती है उसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस है तो आपका जो है क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना सकता है। आर्द्रता भी दूर होती है, अगर जल की मात्रा है तो वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसका भर्जन करते हैं। जैसे आप ये माने कि ध्यान से देखें, ये सल्फर है, तो सल्फर अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। अगर आप सेनिक है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो AS2O आपका जो है क्या बना देगा, 3, AS2O3 बनाता है। ये आपका 2 लिखिएगा, यहां पर आप जो है 4 लिख दीजिएगा, ये आपका संतुलित कर दीजिएगा, 2 है ये 3 हो जाएगा, ये आर्सेनिक है। अगर आप देखें थोड़ा सा फास्फोरस है, अगर पी है, P4 है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बना देगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी P2O5, ये आपका 2 है, ये 5 लिख दीजिएगा। ये ध्यान से देखेंगे, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और फास्फोरस है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। ये भर्जन के थ्रू होता है। भर्जन में अगर उदाहरण दें हम, जैसे भर्जन के थ्रू अगर क्रिया करा दें तो ये आपका कॉपर पाइराइट का, ये हम भर्जन पहले कर देते हैं, तो कॉपर पाइराइट का भर्जन जब करते हैं तो क्या मिलता है, इसको आप देखें, ये ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका CuFeH2 है इसको वायु की परिस्थिति में आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब या तो पहले इसको आप गर्म करें, इसको गर्म करेंगे तो ये जो है Cu2S और ये FeS बनेगा, ये Cu2S बनेगा और ये Fe क्या बन गया, S बनेगा, और आपका जो है ये SO2 बनेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन होता है ना, ये ऑक्सीजन आपका है तो ये बन जाएगा क्या, SO2 बन जाता है, SO2 हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये भर्जन है, भर्जन में हमने जो है कॉपर पाइराइट को लिया है, कॉपर पाइराइट को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की परिस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये आपका CO2S बनता है, FeS बनता है और क्या बनता है, SO2। अगर हम इसको संतुलित करें तो ये आपका 2 हो जाएगा,
अब यहाँ पर जो आपका दुभग है ये जो आपका 2 हो जाएगा या फ्यूजन हो जाएगा, 2 × 4 ये 2 × 1 = 3 SO2 हो जाएगा, ये आपका संतुलित भी है। अब इनको अगर देखें तो ये CO2S है, ये जो है आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है O2 से, तो ये जो है CO2O बनाता है और प्लस क्या बनाएगा SO2 बनाता है, ये बन जाएगा आपका, ये 2 है, ये 2 आपका हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। यहां पर आप 2 लिख दीजिएगा, 2 × 4 = 4 दुनिया यहाँ पर जाएगा, 2 × 4 = 3 हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। और ये आपका जो FeS है 2FeS है, या FeS लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये संतुलित करने की बात है, तो ये आपका FeO बनाता है और प्लस क्या बन जाएगा SO2, यानी कि इस प्रकार से भाजन की क्रिया संपन्न होती है। भाजन में होता क्या ये जान लीजिए, हमने आपको बताया भाजन के बारे में कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो क्रिया होती है भाजन कहलाती है। भाजन में आपको हमने बता दिया कि जो आपका सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये जो अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस पेंटाक्साइड बनाता है। हाँ, अगर बात हम करते हैं जैसे कॉपर पाइराइट की, यानी कॉपर के जो प्रमुख अयस्क है उसका अगर भर्जन किया जाए तो वायु की उपस्थिति में इसको अगर घुसते हैं या भर्जन करते हैं तो ये जो आपका जो बनाएगा CO2S बनाएगा या FeS बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इनको हम वायु की उपस्थिति में अगर ऐसा गर्म करते हैं तो ये जो है क्यूपिक ऑक्साइड और ये फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब ध्यान से देखेंगे निस्तापन और भर्जन के बाद जो है आपको मिलेगा रासायनिक अपचयन की विधि। अब इस रासायनिक अपचयन में जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।